चलो फिर झगड़ू मैं चाहता तो मैं नहीं थी, तो आज की वीडियो में बात करूंगा कि अपने मोबाइल में अलार्म कैसे सेट करें, अपने मोबाइल में अलार्म कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं अलार्म लगाना, नहीं कितने लोग चाहते होंगे अपने फ़ोन में अलार्म लगाना, बट वो लगा नहीं पाते। बट इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, मतलब कि आपका जब आपका उठने का मन हो, जैसे सुबह आपका उठने का 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 3 बजे उठने का सुबह मन हो, या आप जागने का मन हो, तो आप अलार्म उस टाइम सेट करके आप उठ सकते हैं, जाग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलार्म कितना लोग खरीदते हैं बट आपके मोबाइल में ही होता है, तो कैसे अपने मोबाइल में ही लगा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे लगा सकते हैं। दूसरे अभी तक मैं जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्लीज़ टच कर दीजिएगा, बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी के निशान उसे टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे। तो यहाँ पर अलार्म सेट करने के लिए यहाँ पर फ़ोन ओपन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा कि आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं घड़ी के मतलब कि घड़ी होगा, वॉच होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे मोबाइल में घड़ी है जो कि आपको टाइम दिखाता है। ऊपर नहीं, आपके एक एप्लीकेशन होगा जो कि ऑलरेडी मोबाइल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस आ जाएगा, घड़ी होगा आपके मोबाइल में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है बट कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा अलार्म, ठीक है। यहाँ पर अलार्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो अलार्म ऐड पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बोल है टाइम सेट करने के लिए, आप कितने बजे धराना चाहते हैं। सारे बारीकी से मैं बताऊँगा, तो अभी तो मैं धराना चाहता हूँ 1 बजे के 7 8 5 4 3 2 1 1 1 कितने में धराऊँ। यहाँ पर मैं कम करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ 30 30 30 30 30 में धराता हूँ। चलो सही है, एम है, पी एम है, पी एम है, ठीक है। एम पी एम आप कर लीजिए। और कितने तारीख को, यहाँ पर तारीख भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, डेट, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि रिंगटोन कैसे साउंड रखें, कम बेसी साउंड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बट साउंड चेंज नहीं करूँगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए रिंगटोन साउंड सेट कर सकते हैं, अलार्म मतलब साउंड ज़्यादा बढ़े या कम में आवाज़ आए, गाना चेंज करूँ या वगैरह वगैरह जो भी करना चाहते हैं कुछ सेटिंग से कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब करने के बाद ये फिर से ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो अब अलार्म ओपन करके, ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कितना मतलब कितने कितने दिन बजाना चाहते हैं, पूरा टाइम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जो भी आप मतलब पूरे हफ्ते करना चाहते हैं या सिर्फ संडे संडे को, सिर्फ मंडे मंडे को, जो भी करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ऑल कर लेता हूँ, मतलब मेरे को हर एक दिन बजना चाहिए, चाहे संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, सभी हर डे बजना चाहिए। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका तैयार। अब चलिए मैं कट के देखता हूँ अब मुझे 30 बजता है या नहीं, फिर उसी से मैं वीडियो प्ले करूँगा। तो देखिए यहाँ पर बजने लगा ऊपर अलार्म आ चुका है, बट इसको मैं साउंड डिसेबल कर लिया हूँ कि आवाज़ मेरा आ सके, ठीक है। तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं, चलिए मैं डिसेबल करता हूँ, बंद हो गया। तो आई होप को वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय।